मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साई ब्लेजन लाइफस्टाइल। और मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आप सब लोग को आज का न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड स्वस्थ हूँ। और फ्रेंड्स, देखिए मॉर्निंग के टाइम में मैं मेरी मॉर्निंग की वर्क कर रही हूँ, जो मेरी डेली वर्क है ना वही कर रही हूँ। और अभी विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इतना ज़्यादा ठंड कि मतलब मॉर्निंग में पानी में हाथ लगा रहे हैं ना तो लगता है कि जैसे हाथ काम नहीं करेगा, इतना ज़्यादा ठंड है इधर। और अभी मैं मॉर्निंग की थोड़ी सी झाड़ू बर्तन ये सब करके आ गई। अब मैं गाय को निकाल रही हूँ, क्योंकि गाय को मॉर्निंग में बाहर निकाल के उसको खाना दे देती हूँ, क्योंकि रात भर रहता है ना अंदर, तो इसके लिए। और फिर मैं मेरे जो एक्स्ट्रा वर्क है ना वो करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद हो रही है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में बोलिएगा वीडियो कैसे लग रही है और मैं कैसे कैसे वीडियो ला सकूँ आप सब लोग के लिए, मुझे कमेंट में बोलिएगा। तो फ्रेंड्स, देखिए फिर मैं आ गई इधर चूल्हे के पास लिपाई करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में लिपाई करना बहुत अच्छा होती है, शुभ मानते हैं। जब सूर्य उदय से पहले ही हम लोग ये काम करते हैं। तो देखिए, मैं पहले अच्छे से लिपाई कर लूँगी घर, और थोड़ी सी बाहर भी लिपाई करूँगी। फिर मैं क्या क्या वर्क कर रही हूँ आप लोग देखिए और वीडियो एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे आंगन में भी थोड़ा सा मैं गोबर से लिपाई कर दी हूँ, क्योंकि आंगन या घर साफ सुथरा रहना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अच्छे से चारों तरफ से गोबर दे रही हूँ। और गोबर से लिपाई करने आंगन अच्छा होता है, जो कि दिखने में भी अच्छा है और बहुत ही शुभ मानते हैं इसको गाँव में। गाय के गोबर को बोलते हैं ना, वो सबसे शुभ होती है, तो इसके लिए। तो देखिए लिपने के बाद कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ना मेरी घर एंड आंगन। तो फ्रेंड्स, देखिए फिर मैं आगे इधर जो गोबर के उपले मारते हैं ना, तो वो आने के लिए आ गई थी, और जो मेरे सूख गई थी ना, तो इसको मैं अच्छे से ऐसे देखिए एक के ऊपर एक रख के घर जैसे बना रही हूँ, जैसे कि जल्दी से वो सूख जाए और मैं इसको आग में जला सकूँ और खाना बना सकूँ। तो ऐसे ऐसे मैं वर्क मॉर्निंग में करती हूँ, जैसे ऐसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ओनली वीडियो में दिखाने के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ की विलेज की वर्क है, तो इसके लिए बहुत सारे लेडीज है ना विलेज में ये सब वर्क करते हैं, तो ऐसे मैं भी करती हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं है विलेज की, नॉर्मल वर्क ही है। तो बहुत लोग लगता है ना कि कितना हार्ड वर्किंग है, बट ये विलेज में ना बहुत ही नॉर्मल है, नेचुरली वर्क है। तो फिर देखिए मैं इधर आई हूँ जो नल के पास, जो बर्तन थी ना वो साफ़ करने के लिए। और ये रात की बर्तन है, बहुत प्लेस में ऐसे होते हैं कि रात को ही बर्तन साफ़ किया जाता है, लेकिन मैं सुबह साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को लेट नाइट अगर खाना खाते हैं ना, बाहर होता है ना नल, घर के अंदर नहीं है तो बाहर नहीं आते हैं। ऐसे ही तो अब ठंड के टाइम है, तो बाहर रात को पानी से बर्तन धोना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाती है। फिर देखिए मैं इधर साफ़ कर रही हूँ नल के पास अच्छे से, और पानी सारे जो है ना पानी भर के रख दूँगी। और इधर मैं गाय के लिए खाना बना रही थी, पानी गर्म हो गई है, इसमें थोड़ी सी नमक और उसके लिए जो मिलाती हूँ दाना और खाना सारा मिला के मैं उसको दे दूँगी।
और नहाने जा रही थी, इसके लिए आलू उबालने के लिए बैठा के जाऊंगी, क्योंकि फिर नहा के आऊंगी तो ब्रेकफास्ट बनाने में इजी होगी इसीलिए। देखिए मैं इधर मेरी जो गाय है उसको दे रही हूँ दीदी खाने के लिए, वो खा रहा था। फिर मैं नहा के भी आ गई और इधर मैं आ गई पूजा करने के लिए। घर के अंदर का पूजा मेरी हो चुकी है। ये मेरी तुलसी माता के मंदिर में मैं पूजा कर रही हूँ तुलसी माता को। फिर पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ये मेरी पूजा हो गई है और तुलसी माता की नीचे की जो मिट्टी है ना, मैं उसको हमेशा सर में लगाती हूँ, अच्छा होती है ना इसके लिए। फिर देखिए मेरी आलू भी उबल गई थी, मैं आलू को पक गई थी अच्छे से, तो उसको मैं निकाल रही हूँ। और साइड में देखिए मैं आटा भी लिया हूँ, आटा लगा के मैं आज आलू के पराठे बनाऊँगी। तो आटा में नमक दे के उसको अच्छे से मिला ले रही हूँ, एक ढो बना लूँगी। देखिए ढो बना भी ली हूँ और इसका मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गई थी, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी। और देखिए आलू को मैं अच्छे से छील लूँगी, फिर इसको जो मसाले के साथ भून लूँगी। फिर जैसे हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, ऐसे ही बस मसाला रेडी कर रही हूँ मैं। थोड़ी सी तेल दी और उसमें प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, हल्दी ऐसे मिला के, धनिया की जो पत्ते हैं इसको मिला के आलू को दे दूँगी मसाले में। और फ्राई करने के बाद उसको आलू के पराठे जैसे स्टफिंग करते हैं ना, ऐसे करके मैं कर दूँगी पराठे रेडी। तो देखिए मैं उसका पूरा फुल रेसिपी नहीं दे रही, मैं से थोड़ा सा ही दिखा रही थी, देख सकते हैं। तो देखिए जो मेरी मसाला है ना वो रेडी हो गई थी, मैं आलू भी उसमें दे दी थी और अब निकाल के पराठा भी रेडी कर रही हूँ। और मैं पराठा दो तीन टाइप की बनाई थी, जैसे कि पराठा कैसे ना फटे ऐसे दिखाने के भी ट्राई कर रही थी, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए आज नहीं दे रही हूँ, फिर कभी दे दूँगी। एक के ऊपर एक रख के रोटी अच्छे से पराठा बनाई थी, फिर एक साइड से कट करके इसको भी एक पराठा बनाई थी, जैसे कि इजी हो बनाने में और कोई भी बना सके। जैसे कि आलू के स्टफिंग देते हैं तो ये फटे नहीं, मतलब बहुत लोग का होता है ना आलू बाहर आ जाती है, इसे बाहर नहीं आएगा। देख सकते हैं ना मेरी पराठा एकदम कैसे बन रही है अच्छे से, फिर मैं बना लूँगी सारे पराठा ऐसे ही। उसके बाद देखिए मैं नॉर्मल एक पराठा बनाई थी डॉग के लिए, तो उसको दे रही हूँ। ये इसमें आलू की स्टफिंग नहीं दी थी, ऐसे ही पराठा बनाई थी नॉर्मल पराठा। ये जो डॉग के बच्चे हैं ना ये भी खा रहे हैं, ये भूखे थे ना, रात को खाए थे, मॉर्निंग को कुछ नहीं खाए थे, तो फिर ये लोग भी खा रहे हैं अभी। और मैं काऊ को भी दूँगी रोटी। देखिए इसके लिए रोटी बनाई थी, पराठा नहीं है ये रोटी है, तो इसको भी रोटी दे दूँगी खाने के लिए, फिर मैं भी खा लूँगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने में ही ऐड करेंगे, फिर मिलेंगे और एक न्यू एंड फ्रेश ब्लॉग के साथ। अगर आप सब लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट बोल दीजिएगा वीडियो कैसे लग रही है, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो मेरे चैनल के लिए न्यू है। तो देखिए आलू कैसे बीच में है और एकदम पराठा अच्छे से बन गई है, रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल, बाय बाय ऑल, टेक केयर।